नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनें कैसी हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पोषण माह 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच किया जा रहा है। तो जैसा कि 4 सप्ताह में आपको 4 तरह के नए नए कार्यक्रम करने होते हैं, तो जैसा कि पहला सप्ताह 1 से लेकर 7 तारीख के बीच आप सभी लोगों ने जो भी आपको कार्य दिया गया था, वो सभी लोग ने वो उस कार्य को पूरा किया है। तो अब देखिए, 8 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं वही सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो जैसे मान के चलिए कि 2रा सप्ताह 8 से लेकर 15 तारीख जो भी कार्य आपको दिए जाएंगे, जैसे कि जो भी आपको गतिविधि करनी है वो आप किस प्रकार से करेंगे, तो यही सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी महिलाएं बैठी हैं, उनको योग अभ्यास के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से योग अभ्यास से आप लोग निरोग रह पाएंगी। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को बताना है, स्तनपान कराने वाली माताओं को बताना है, और जो भी किशोरी बच्चियां हैं उनको भी योग अभ्यास के बारे में इस सत्र में, जैसे कि 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में, आपको यही सारी जानकारी महिलाओं तक जागरूकता फैलाना है। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय पोषण माह का कैलेंडर है, इसमें आप लोग और भी अच्छे तरह से समझ पाएंगे कि क्या क्या करना है अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में। तो जैसा कि यहाँ पे थीम 2 में देख पा रहे होंगे, पोषण के लिए योग और आयुष। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, देखिए, प्रसव पूर्व देखभाल एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण हेतु योगा अभ्यास, आयुष अभ्यास के लिए जन जागरूकता अभियान किया जाना है। तो आपको योगा अभ्यास का जो भी जागरूकता है, उनको सभी आमजनों में उसको अभियान के तहत उसको बताना है कि किस प्रकार से आप लोग योगा करेंगी तो आप लोग निरोग रह पाएंगे। देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा, जो कि ICDS और आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस कार्यों को कराया जाएगा। और देखिए, इसके बाद नीचे आने पर आप लोग देखेंगे, और देखिए जो आंगनबाड़ी केंद्र लिखा गया है उसमें योग सत्र का आयोजन COVID-19 का दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उस योग सत्र का आयोजन करना है, जो कि स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की तरफ से कराया जाएगा। और देखिए, ये जो माता पिता को पत्र लिखना है, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसको कराया जाएगा, जिसमें कि COVID-19 का सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में इस गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। ये जो गतिविधि है, माता पिता को पत्र लिखा जाएगा, जैसे कि जो किशोरी लड़कियां हैं, जिसमें किशोरियां अपने माता पिता को आयरन मुक्त स्वस्थ आहार प्रदान करने के लिए पत्र लिखेंगी। तो जो भी किशोरी लड़कियां आएंगी, वो अपने माता पिता को स्वस्थ आहार देने के लिए एक पत्र लिखेंगी, जिस पत्र को देखिए तत्पश्चात सेविका और आशा द्वारा संयुक्त रूप से उन घरों का भ्रमण कर किशोरियों के अभिभावकों को पत्र देते हुए वो जरूरी परामर्श देंगी। देखिए, उसके बाद एनीमिया नियंत्रण हेतु आयुष अभ्यासों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये कार्य परियोजना की तरफ से किया जाएगा, जो कि आपको आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार से एनीमिया का नियंत्रण किया जाए। तो फिलहाल ये जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भी परियोजना के विभागीय अधिकारी हैं वो आएंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, फिर इसके बाद आईएफए की जो गोलियां होती है उसका वितरण करना है आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो देखिए, इसी प्रकार से जो आपको 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में जो योग सप्ताह मनाया जाएगा, उसको अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर करना है। तो मैंने आप सभी को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।